So glucose is 10% W by W. What would be the molality, mole fraction of each component in the solution? If density is 1.2 gram per ml, then what should be the molarity? अच्छा ये वाला पार्ट तो हम अभी कर सकते हैं. Let us see validity of our formula. हम फॉर्मूले की वैलिडिटी देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है कि नहीं. ये वाला पार्ट करते हैं. तो मोलारिटी इज इक्वल टू व्हाट डिड वी राइट, मास परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास. ठीक है, लेट अस सी. मास परसेंट इज 10, डेंसिटी इज 1.2 टू 10 और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है. ग्लूकोज का मोलर मास इज 182, सो मोलर मास इज 182. यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आया. 12/18 12/18 आवर मोलारिटी हैज कम आउट टू बी 0.67 मोल. एक बार पीछे प्लीज एक बार इसे बुक के बैक एक्सरसाइज के आंसर देखना. आर यू राइट, ये सही है, इज द आंसर करेक्ट. Should I check? A solution of we cannot apply this in CBSC. Yes, the answer is correct. ठीक है, so it took me just आई थिंक 20 seconds टू 20 seconds से भी कम में ये आंसर सॉल्व हो गए. लेस देन 20 seconds. ठीक है, सो दिस इज हाउ प्रिपरेशन ऑफ CBSE इज डिफरेंट फ्रॉम एंट्रेंस. CBSE में तुम्हें करके दिखाना होता है और एंट्रेंस में तुम्हें कुछ करके नहीं दिखाना होता, तुम्हें डायरेक्ट आंसर को निकाल कर उसे टिक करना होता, राइट. सो इवन इफ यू आर लैकिंग इन CBSE डजंट मीन कि यू कैन नॉट सक्सीड इन एंट्रेंस. अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन वर्क अराउंड इट. नाउ लेट अस वर्क ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. अब क्वेश्चन आता है मोलालिटी का और मोल फ्रैक्शन का और वो हमें निकालना है इन इन दिस सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल 10% वेट बाय वेट. पहले मैं CBSE की तरह करने की कोशिश करता हूँ और फिर हम इसका फॉर्मूला फिर से डिराइव करेंगे जिससे आंसर 2 मिनट में निकल सकता है, विद इन सेकेंड निकलेगा. तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, 10% वेट बाई वेट, यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया दैट इज सॉल्यूट इन 90 ग्राम वाटर हो गया दैट इज सॉल्वेंट. ये कैसे आया, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है. We assume that 100 gram solution is there. So if we assume 100 gram solution, तो 10 gram glucose हुआ 90 gram water में. तो अब इस केस में ठीक है, इस केस में अब हमारे पास molality निकालनी है. तो 10 gram से I can find moles of glucose. Moles of glucose will be given mass divided by molar mass of glucose C6H12O6. Molar mass is 72 plus 12 plus 96 giving me 180 gram per mole, right. So yahan pe 10 by 180 that is given mass by molar mass, so this gives me 1/80. Okay, अब ये इससे क्या आ गया, दिस इज माई मास ऑफ सॉल्वेंट. ये क्या है, मेरा मास ऑफ
solvent and this is in kg, mass of solvent in kg. ठीक है ना. अब इसकी हेल्प से आई कैन फाइंड molality सिंपली. Molality विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 1/18 मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. राइट. तो दिस इज 1/18 इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में है. इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000. तो दिस विल गिव मी 1000. ठीक है. अपॉन मी 18 into 90. राइट. सो दिस विल बी आंसर विल बी 1000 18 into 90 is 1620. 1000 divided by 1620 is 0.617 मोल पर केज. तुम्हें सीबीएसई का तरीका समझ आया? येस और नो? ठीक है. अब अगर मैं इसका एंट्रेंस का तरीका निकालूं तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एंट्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो molality निकालनी थी मुझे और मुझे मास परसेंट गिवन था. तो मास परसेंट में जो गिवन मास होता है, देखो हाउ डू आई कम डिराइव दिस फॉर्मूला. molality के फॉर्मूले पे मैं कैसे आ रहा हूँ एंट्रेंस के फॉर्मूले में? तो इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लाना है. ठीक है. तो देखो गिवन मास molality में गिवन मास मेरा आया था किससे? दिस हैज कम फ्रॉम डायरेक्टली मास परसेंट. जो मास परसेंट थी वही हमारा मोल गिवन मास बन जाता है. वट अबाउट मोलर मास? मोलर मास तो रहेगा मोलर मास ही. मास ऑफ सॉल्वेंट ऑन द अदर हैंड ये कैसे आता है? दिस इज 100 माइनस मास परसेंट और इसको केजी में करने के लिए आई डिवाइडेड बाय 1000. तो लेट मी पुट दिस इन द फॉर्मूला. तो molality का फॉर्मूला आ जाएगा मास परसेंट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास. ठीक है. मोलर मास इंटू 100 माइनस मास पर. दिस इज द फॉर्मूला जिससे मैं इसको क्विक तरीके से निकाल सकता था. इसमें बस मुझे मास परसेंट डायरेक्टली बन थी 10 इंटू 1000 डिवाइड मोलर मास मेरा था 180 और 100 माइनस मास परसेंट 100 माइनस मास परसेंट 10 दैट विल गिव मी 90. टेल मी इज दिस क्लियर? येस और नो एवरीवन? ठीक है. यू कैन चेक दिस फॉर्मूला लेटर ऑन जब भी क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट. नेक्स्ट. अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. अब बात आ रही है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं. ठीक है ना. तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो सीबीएसई वे होगा वो देखेंगे एंड वी विल कंपेयर इट विद एंट्रेंस वे. ठीक है. सीबीएसई का तरीका हमारा कुछ इस तरीके से है कि हमने 100 ग्राम सल्यूट माना, 100 ग्राम सल्यूशन माना. ठीक है ना. और इसमें 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज हो गया
ठीक है, तो 90 ग्राम वाटर हो गया। अब इससे मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लिए, मोल्स ऑफ ग्लूकोज विल बी 10 अपॉन 180, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए, मोल्स ऑफ वाटर इज 90 अपॉन 180, और फिर इन दोनों को पुट करके मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर एंट्रेंस वे क्या होगा? ठीक है, एंट्रेंस वे इसमें क्या होगा? इसमें कोई एंट्रेंस वे खास नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम देखो, ये लो कुछ नोट कर लो, फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लो, या खुशी तुम स्क्रॉल बैक कर सकते हो, यू कैन स्क्रॉल बैक। ये तो यूट्यूब है, जूम नहीं है, ठीक है। अगर कुछ छूट जाए तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ 10 सेकेंड। अब एंट्रेंस वे की बात कर रहे हैं हम, तो एंट्रेंस वे ये है कि इसमें अगर तुम एंट्रेंस का तरीका लगाओ, ठीक है, अगर तुम सीबीएसई में हो, सब गुण अगर तुम सीबीएसई में हो तो अभी तुम 12 के पेपर देने वाले हो, तो तुम्हें सीबीएसई वे भी करना है। अगर तुम सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, देन यू डोंट हैव टू डू सीबीएसई वे, राइट। तो एंट्रेंस वे ये है हमारा कि अगर तुम इसमें एंट्रेंस वे लगाओगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर तुम इसमें डिराइव करते हो फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज का, तो वो कुछ इस तरीके के साथ दिखेगा फॉर्मूला, दैट इज 100 माइनस मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज मास परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो ये कुछ ये है हमारा, सॉरी ये 18 होगा, राइट, मोलर मास ऑफ वाटर यहाँ पे 18, ठीक है। तो ये मोलर मास ऑफ वाटर 18 होना चाहिए, अब बात ये है कि आई वुड नॉट रिकमेंड कि हर चीज एंट्रेंस वे से ही करनी है एंट्रेंस में। देखो, समटाइम्स आवर कन्वेंशनल वे इज शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल, समटाइम्स कन्वेंशनल मेथड जो होता है हमारा वो ही स्वीट और सिंपल होता है, तो हम उसी से ही चलेंगे विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग आवर लाइफ। जिंदगी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें ये भी याद रखना है कि कहाँ पे अपने दिमाग को एंट्रेंस वे से सुचवाना है और कहाँ पे उसे बोलना है कि नहीं भाई, इसको हम कन्वेंशनल यानी कि नॉर्मल तरीके से करते हैं, वो हमारे लिए स्वीट एंड सिंपल रहे। दिस इज ऑल्सो नॉलेज, दिस इज ऑल्सो आर्ट, पता होना कि भाई मास मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमें ज्यादा कोई फॉर्मूले से नहीं करना, उसका सिंपल तरीका रहेगा बाय यूजिंग दी सीबीएसई वे। यू टेल मी, इज दिस क्लियर? नोट्स अच्छे से